ओके कंटिन्यू। अभी यहाँ पर आ रहा था मेन सर्वर इज बिजी करके जो एरर है वो, पर नाउ यू कैन सी हमारा जो गेम है भाई वो जो ऑन हो गया है और हम इसको खेल सकते हैं। कुछ भी एरर नहीं आया, देख सकते हो काफ़ी इजीली हमने जो इसको डाउनलोड कर लिया है। जब भी हम BGMI या फिर बोल लो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करते थे अपने PC या फिर लैपटॉप में खेलने के लिए इन्वर्टर के अंदर, तो वहाँ पर हमें एक एरर आता था जो कि है सर्वर इज बिजी करके। अब इसके बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो में बात किया था कि भाई जो एरर है क्यों आ रहा है और कब तक सॉल्व होगा और क्या हुआ होगा, सोचो ये जो है प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया है फिलहाल BlueShift 5 के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व है, आप कुछ भी जो एरर है वो जो है नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि VPN वगैरह ड्रामा मत करो, आपका आईडी जो है बैन हो सकता है, तो अगर नहीं हुआ है वेट कर रहे थे तो काफ़ी अच्छी बात है, अभी वेट कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है BGMI या फिर कह लो बेटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया को अपने PC या फिर लैपटॉप में जो है डाउनलोड कर सकते हो BlueShift 5 की हेल्प से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना, मैंने जो लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना, इस पेज पर आ जाओगे, प्ले ऑन BlueShift 5 इसमें क्लिक करना। 1 MB करीब का होगा ये, सिंपल सा यहाँ पर जो है डाउनलोड आ रहा है, 1 मिनट डाउनलोड हो गया, देख सकते हो। सिंपल से यहीं पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप चले जाओ डाउनलोड्स पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिंपल से इसमें जो क्लिक कर दो डबल क्लिक और यहाँ पर यस इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भैया कहाँ पर आपको चाहिए लोकेशन पर, और फिलहाल मैं जो बैक करता हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट है वहीं पर करता हूँ इंस्टॉल ना। अभी यहाँ पर देख सकते हो करीब 400 MB का जो डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने देते हैं। इसके बाद ये जो थोड़ा सा लोड होगा तो पूरा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो है ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा लोड करके सब कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यार देख सकते हो हमारा जो BlueShift 5 है वो जो इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड कर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर हमें जो टोटल जो डेटा लगा हुआ है 470 MB लगा हुआ है। इसके साथ ही हमें जो आगे जो डेटा लगेगा वो हमारे जो BGMI डाउनलोड करने के लिए करीब करीब 700 MB लगेगा, और उसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ग्राफिक्स को HD में करते हैं या फिर नॉर्मल में करते हैं, जो कि 300 और 600 MB का आता है। तो हो गया देख सकते हो। अब सिंपल सा मैं यहाँ से करता हूँ मैक्सिमाइज करता हूँ आपको, यहाँ पर जो अगर फर्स्ट टाइम एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको जो थोड़ा सा जो ओवरव्यू है जो दे देता हूँ। यहाँ पर जो 3 डॉट है सिंपल सा ये सेटिंग्स के लिए है। यहाँ पर आप अपने जो परफॉर्मेंस का अगर जो डिस्प्ले का है वो जो सेटिंग कर सकते हो कि भैया आपका ये सब आप अपने PC के हिसाब से करना है। यहाँ पर जो मिनिमाइज है मैक्सिमाइज है वो या फिर क्लोज का है। यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए है और यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है, जो नॉर्मल स्मार्टफोन करते हैं सेम वैसी। यहाँ पर आपको जो ये बैक होम और जो रिसेंट टैब ओपन करने के लिए रहता है ये है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट के लिए है नॉर्मल सा APK इंस्टॉल कर सकते हो अगर APK आपके जो PC में वहाँ पर है कस्टम, या फिर आप जो सिंपल सा जैसा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर जो गेम कंट्रोल है जहाँ पर आप जो की मैपिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास अर्ली एक्सेस है तो, अगर नहीं है तो टैप टैप ऐप से कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ मैक्सिमाइज, यहाँ से मैं करता हूँ प्ले स्टोर को ओपन। देख सकते हो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है वो जो ओपन हो गया है, हमने जो पूरा अकाउंट भाई साइन कर लिया है, सिंपल सा एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो सिर्फ सर्च करना है BGMI और बस इंटर कर दो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है अर्ली एक्सेस लेकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर डाउनलोड का जो इंस्टॉल का जो ऑप्शन है वो जो आ रहा है, तो सिंपल क्या कर दूंगा इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा मैं और ये जो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कुछ हो रहा है, ये आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं डाउनलोड होने का। तो यार देख सकते हैं हमारा जो BGMI है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो जो डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो गया है। सिंपल से ओपन करता हूँ, हम जो प्ले कर सकते हैं, मैं आपको जो पूरा प्ले कर दिखाता हूँ कि जो सर्वर इज बिजी का जो एरर है वो जो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। F11 प्रेस करता हूँ मैं फुल स्क्रीन करने के लिए, या फिर आप जो यहाँ पर भी कर सकते हो जो भी परमिशन अलाउ करता हूँ, यहीं से करता हूँ फुल स्क्रीन, हो गया फुल स्क्रीन। देख सकते हो हमें जो है क्या करना है, सिंपल सा मुझे जो है हाई रिसोर्सेज पैक जो डाउनलोड करना है, क्योंकि जो मेरा PC है मुझे काफ़ी अच्छा खासा है, तो ओके करता हूँ। अगर आपके पास भाई जो PC है उसमें जो है i3 या फिर 4 GB का जो रैम है, तो जो लो रिसोर्सेज पैक था उसको जो डाउनलोड करना, अगर i5 है एंड 8 GB रैम से ऊपर है अबव है तो उस केस में जो HD रिसोर्सेज पैक है उसको जो डाउनलोड करना। ओके तो देख सकते हो हमारा जो अपडेट है वो जो फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर सिंपल सा अपने जो रिस्टार्ट करना है तो थोड़ा सा वेट लगेगा, हाँ हो गया, अब सिंपल से रिस्टार्ट कर देते हैं इसको वापस से ओपन। ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी हमारा जो गेम है वो जो पूरा ऑन हो जाएगा भाई 100% बोल रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी सिंपल सा अग्री करना है,
और वापस इसको भी टिक कर देता हूँ, लॉगिन विथ फेसबुक। यहाँ पर जो मेन एरर आ रहा था वो जो फेसबुक से लॉगिन करने के बाद आ रहा था, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। अब मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपल सा लॉगिन करे, इसमें क्लिक, लॉगिन करे, सही है, ओके कंटिन्यू। अभी यहाँ पर आ रहा था मेन सर्वर इज बिजी करके जो एरर है वो, पर नाउ यू कैन सी हमारा जो गेम है भाई वो जो ऑन हो गया है और हम इसको खेल सकते हैं। कुछ भी एरर नहीं आया, देख सकते हो काफ़ी इजीली हमने जो इसको डाउनलोड कर लिया है। ओके तो देख सकते हो हमारा जो BGMI है बैटल ग्राउंड स्माइल इंडिया वो जो ऑन हो गया है। मैं यहाँ पर कट करता हूँ। यहाँ बता दूँ जो की मैपिंग है ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्ले करना है आप। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, सिंपल से स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। फिलहाल ये जो ये रेंगल पर चल रहा है, मुझे नहीं पता सोलो है कि क्या है, पर शांत दिखा देता हूँ आपको। जो की मैपिंग है वो सब हुआ हुआ है, मतलब पहले से ऑलरेडी है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं खेलने के लिए। नाइट में एक दो मैच ही कर पाया हूँ, पर अभी मज़ा आ जाएगा। ओके यहाँ पर जो माउस कर्सर है इसको अगर आपको जो है रिमूव करना है तो F1 प्रेस करना अपने कीबोर्ड पर, और ये जो माउस कर्सर है वो जब है रिमूव हो जाएगा, वापस से करना वापस से आ जाएगा। नॉर्मल जो की मैपिंग अगर नहीं पता बता दूँ, और साथ में जो पहले की मैपिंग था उससे भी थोड़ा सा अलग हो गया है। लाइक अगर आपको जो है जो प्लेन से जंप करना है तो पहले F प्रेस कर देते हैं, पर अभी E प्रेस करना है। देख सकते हो हमारा जो माउस है वो जो आ रहा है तो हम जो मूव नहीं कर पा रहे। F1 क्लिक करता हूँ, माउस चला गया। अभी देख सकते हम जो मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पर डाउन करने के बाद एक बार रिस्टार्ट कर लेना ताकि ये जो है अच्छे से चले। फिलहाल मैंने जो कोई भी जो सेटिंग्स वगैरह है वो जो नहीं किया है, सब की मैपिंग है भाई, देख सकते हो सभी है की मैपिंग, सब काम कर रहा है ऑलरेडी, काफ़ी सही है ये। और देख सकते हो कैसे हमने जो डाउनलोड कर लिया है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक जो मेरे ऑडियंस जो है मिस कर सकते हैं कि भैया हमारे स्मार्टफोन पर जो इंस्टॉल है उसको कैसे करें, तो देखो हमारे स्मार्टफोन के ऊपर जो इंस्टॉल है ना, अभी सभी की स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 10 आ रहा है, और एंड्रॉइड 10 के गेम को अगर आप जो है एंड्रॉइड 9 या फिर 8 या फिर 7 में कुछ किसी में भी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक एरर्स होगा पार्सिंग द पैकेज करके। तो उस एरर की वजह से मैंने जो है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से जोड़ा डाउनलोड किया है। अब अगर आप पास अर्ली एक्सेस नहीं है तो उसके लिए भी बता देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको, यहाँ से कुछ इस तरीके से। अगर आप पास अर्ली एक्सेस नहीं है, यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ थोड़ा सा, या फिर रहने देता हूँ। यहाँ सिंपल सा क्या करना, जो क्रोम ब्राउज़र है इसमें चले जाना और यहाँ पर सर्च करना टैप 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 टैप, इंटर सिंपल सा, और वापस जो पहला वेबसाइट है यही है। ओके ओपन हो जा, हो गया। अब यहाँ पर से सिंपल सा नीचे चले जाओ, यहाँ पर जो एंड्रॉयड लिखा है इसमें जो क्लिक कर दो। इस ऐप के अंदर हम जो डाउनलोड कर सकते हैं कुछ है यहाँ पर, बट मैं शो नहीं कर पा रहा क्या है भाई। हाँ आ गया, ओके करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो जो डाउनलोड हो गया, सिंपल से जो क्लिक कर दो, 35 MB का है, इंस्टॉल कर दो। और इस ऐप के अंदर हम जो है BGMI को जो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हो जाए पहले इंस्टॉल, ये हो गया, सिंपल से यहीं पर ओपन करता हूँ मैं, आ गया। और यहाँ पर सिंपल से क्या करो, यहाँ पर सर्च कर लो BGMI, या फिर ट्रेंडिंग नहीं है फिलहाल, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये आ गया। देख सकते हो यहाँ से हम जो है उसको अभी प्ले आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं रहता तो यहाँ पर आता है इंस्टॉल करके ऑप्शन। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दे, कोई प्ले स्टोर कोई भी कुछ जो है ज़रूरत नहीं है, सिंपल से जो डाउनलोड होता है सेम प्रोसेस जो हम गूगल प्ले स्टोर से किए हैं वही। अब अगर आपको खेलना है तो यहाँ पर है, या फिर मान लो आपने जो ऐसा क्लोज कर दिया इस गेम को, आपको वापस से खेलना है तो सर्च पे जाना, BlueStacks 5 मिल जाएगा आपको, या फिर सर्च कर लेना, इसे सिंपल सा क्लिक कर दो, ये जो ओपन हो जाएगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ रहा है बैनर में ही। ये सिंपल सा ये जो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा लोड ले लेगा। अब यहाँ पर आ गया बैटल ग्राउंड्स इंडिया, सिंपल से क्लिक कर दो और अपना जो खेलना है वो जो स्टार्ट कर दो। फुल स्क्रीन करने के लिए वापस वही F11 प्रेस करो, फुल स्क्रीन हो जाएगा और इन्जॉय करो। तो भैया इस वीडियो में इतना था, होप कर दो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना यार, लाइक बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ये बताओ कि आपका अभी का जो हाई स्किल है BGMI में वो जो है कितना है, मैं भी देखूँ कौन है प्रो कौन है नूब। तो कमेंट कर देना और लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में था मैं, मतलब से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।